नमस्कार, जय हिंद। भारत तक को नए अंदाज में देख रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आपको भारत तक का यह नया अंदाज पसंद आ रहा होगा। बात करेंगे सेना प्रमुख की। इजराइल दौरे पर हैं सेना प्रमुख। 5 दिनों के दौरे पर इजराइल गए हुए हैं हमारे देश के सेना प्रमुख एमएम नरवणे, और वहां वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नए नए हथियार देख रहे हैं, बॉर्डर्स का दौरा कर रहे हैं, और दुश्मनों की धड़कन उनके इस दौरे से बढ़ी हुई है कि आखिर भारत और इजराइल में क्या कुछ पक रहा है, दोनों देश अब क्या आगे करने वाले हैं। इन सब चीजों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। और अपने दौरे में एमएम नरवणे ने अब क्या किया है, भारत तक लगातार आपको अपडेट दे ही रहा है, तो अब आगे के अपडेट्स देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है अब हाल के दिनों में इस दौरे में। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने इजराइल की उत्तरी सीमा का दौरा किया है। इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ के इलाके और सीमा प्रबंधन जैसे पहलुओं को उनको जानकारी दी गई। भारतीय सेना ने ट्वीट कर कहा है कि यात्रा के दौरान जनरल एमएम नरवणे इजराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने जो है वो नॉर्थ सीमा का दौरा किया है, और यहाँ वो तमाम समीक्षाओं को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले की अगर बात करें, इस दौरे से पहले, मतलब इस दौरे में अगर हम इस उत्तरी सीमा के दौरे से पहले की बात करें, तो इसके पहले एमएम नरवणे जो हैं वो लगातार कई इजरायली सैन्य अधिकारियों से उन्होंने भेंट मुलाकात की है, बातचीत की है, चर्चा की है। उनके स्वागत पर जब सोमवार को वो पहुंचे थे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और इसके साथ ही उन्होंने सेना के, इजरायली सेना के जो थल सेना प्रमुख हैं मेजर जनरल तामिर यादाई, उनके साथ भी सैन्य सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की थी। नरवणे ने इजरायली सुरक्षा बलों की विशेष संचालन इकाई का भी दौरा किया था, जहां काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को लेकर कई तरह के आधुनिक हथियारों को भी डिस्प्ले में रखा गया था। कई जगह वो हथियार को समझते भी नजर आए थे अपने सेना प्रमुख, और कई जगह हथियार भी वो थामे दिख रहे थे। इजराइल के साथ संबंधों में बड़ी गर्माहट के बीच जो है उन्होंने सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर भी एमएम नरवणे जो है वो चर्चा कर रहे हैं। लगभग 30 वर्षों से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो हाल के वर्षों में जो है वो काफी तेजी में है। अच्छे संबंध हुए हैं, घनिष्ठ संबंध हुए हैं। अक्टूबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल की यात्रा की थी। इसके बाद ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली समकक्ष नेफ्ताली बेनेट से बातचीत हुई थी। दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ता के संकेत मिले थे। जब प्रधानमंत्री के साथ नेफ्ताली बेनेट की मुलाकात हुई थी, यानी कि इजरायली पीएम की जब मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई आप बहुत फेमस हैं हमारे यहाँ, आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप जीत जाएंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी, जिससे समझ में आता है कि दोनों देशों की ट्यूनिंग किस स्तर पर है। इसके बाद अब सेना प्रमुख जो है वो इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं। सबसे मजे की बात यह है दोस्तों कि इजराइल की तरफ से एक ट्वीट जो किया गया था, जो हमने आपको पहले भी खबर दिखाई है भारत तक पर, वो वीडियो आप देखिएगा, कि सेना प्रमुख के दौरे की जानकारी इजराइल ने जब दी तो सेना प्रमुख एमएम नरवणे की तस्वीर के साथ पीछे की एक तस्वीर काफ़ी चर्चा में आ गई, क्योंकि उस चर्चा में आने का कारण था क्योंकि वो जो तस्वीर थी वो पाकिस्तानी सेना के सरेंडर करने की तस्वीर थी, वो भी भारतीय सेना के आगे। तो बिना कुछ कहे इजराइल ने अपने अंदाज में जो है वो पाकिस्तान पर निशाना साधा, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस देश को मान्यता तक नहीं देता है, उस देश के लोग अगर पाकिस्तान को इस तरीके से संदेश दे रहे हैं, पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता रहे हैं कि भाई देखो तुम कौन हो, तुम तो वो हो जो भारत से हार चुके हो, और तुम्हारी ये तस्वीर जो है इसकी सच्चाई है, तो उन्हें बुरा तो जरूर लग रहा होगा पाकिस्तानियों को, लेकिन क्या करें, इजराइल से वो भिड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इजराइल से भिड़ने का अंजाम दुनिया जानती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।